असल आपको पता है रीना मेरी भाभी बनने वाली है, बात फाइनल हो चुकी है। लो देखो जरा, उस खड़ूस का भी मामला पार हो गया। एक हम है, हमारी जिंदगी तो सेट ही नहीं होके दे रही। आप तो मुझे किसी इश्क के बारे में बताने वाले थे ना, उसका हाल बताएं। अरे यही तो मसला है यार हम शहरों के साथ। अर्ज क्या है? रोज ही इश्क हो गया मुझको, रोज ही आखिरी मोहब्बत की। इसी देना आपकी जिंदगी सेट नहीं हो पा रही है। अरे नहीं नहीं पूरी बात तो सुन लीजिए आप। पहले कभी ऐसा लगा करता था लेकिन ऐसा था नहीं। अब तो ऐसी मोहब्बत हुई है कि ठीक ठाक मोहब्बत हुई है, रातों को तो नींद ही नहीं आती। वो तो फरजाद भाई मुझे बता रहे होते हैं कि आप पूरा पूरा दिन सो के गुजार देते हैं। अरे उस आदम बेजार इंसान को क्या मालूम यार, मुझे तो मैं खड़ूस कहता हूँ, उसे रोमांस का क्या पता, उसका तो इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। चले आपको तो बहुत पता है ना, आप बता दें और उस लड़की से पूछ लें कि वो क्या चाहती है। अरे फिर से अर्ज किया है। अरे उस इनको समझने के लिए एक उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। नहीं ये जाना जान की जमा तो नहीं। आए इतनी बेतबारी, अब शायर जाए तो कहाँ जाए। जब तक जिंदगी करता था तो लोग सीरियस लेते थे, अब जब मोहब्बत हुई है तो कोई मुझे सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी लोगों को यकीन दिलाने में गुजर जाएगी। आप लोगों को छोड़े, पहले उस लड़की को तो यकीन दिला लें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अरे वो सुनती ही कहाँ है, बस अपनी कही जाती है। लेकिन यही तो मसला है तुम लड़कियों का। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सुन तो रही हूँ आपकी बात, आप बोलें। अरे मिमी तुम हमेशा सुनती हो, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं, बल्कि वो तो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी बहुत मुख्तलिफ। हम तो दिल हार बैठे सनम। हेलो हेलो मिमी, आर यू देयर? हेलो फोन रख दिया। तुम हमेशा सुनती हो, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, बल्कि वो तो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी बहुत मुख्तलिफ। इंसान था वो, रोबोट था बिल्कुल, केक काटा और चला गया। हाँ तो इतने अरसे से मैं तुम्हें क्या समझा रही थी, वो ऐसा ही है, बदलिहाज बदतमीज खड़ूस। भाई तुम्हारे घर में मेहमान आए, तुम्हारी सालगिरह है, तुम्हें मेहमानों को वक्त देना चाहिए, मगर नहीं एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहे थे। हमें उसके बर्थडे में जाना ही नहीं चाहिए था, गलती की है मैंने जाकर। हाँ लेकिन हो सकता है कि वाकई में उसको कोई जरूरी काम हो। नहीं तुम उसकी साइड लेना ना बंद कर, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, बस दिखावा कर रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ऐसा बोली सब सो गए, हम भी चलना चाहिए, चलो चलो उठो। हाँ अब अपने घर में इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती, पैसे आने के बाद भी मेरा वही हाल है जो पहले था। सही कहा है तुमने, तुम दुनिया की शायद वाहिद करोड़पति हो जिसकी घर में नहीं चलती है ना। ज्यादा बदतमीजी नहीं करो, बड़े बड़े अरबपतियों की ना उनके घर में नहीं चलती, मुझे तो फिर भी चाची लिफ्ट करवा देती है। और चच्ची की बेटी के बारे में क्या ख्याल है? चच्ची की बेटी तो मुझे उस वक्त भी पुलाव बना बना कर खिलाया करती थी जब मेरे पास ख्याली पुलाव के अलावा कुछ भी नहीं। अब क्यों रुलाओगी, ड्रामे नहीं करो ज्यादा। आई लव यू।